पिछले 2 साल से कोरोना के कारण सभी कुछ बंद था। प्रदेश में व्यापार व्यवसाय भी पिछड़ गया था, लेकिन संक्रमण की कमी के चलते त्योहारी सीजन के साथ ही व्यापार में उछाल की संभावना नजर आ रही है। इसको देखते हुए इंदौर में कपड़ों की राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लग चुकी है। इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक साड़ियां ड्रेस मटेरियल की वीवर्स इंडिया 2021 प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में 8 अक्टूबर से वीवर्स इंडिया सेल शुरू हुई है। पूरे हिंदुस्तान के एक से क्वालिटी के कपड़े यहां पर मिल रहे हैं। कर्नाटक का सिल्क मटेरियल की साड़ी और ड्रेस मटेरियल 3,000 से लेकर 3 लाख रुपए की कीमत में उपलब्ध है। आपको किस तरह का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है आज? मैं इस एग्जीबिशन के लिए कब से रुकी हुई थी कि यह आए तो हम कुछ शॉपिंग करें। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है सब कुछ, यानी सारे ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, बनारस का भी, यूपी, मतलब सब जगह से, कश्मीर का भी है और बनारस का भी, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। तो अभी आपने क्या देखा, क्या पसंद किया आपने? हम लोग ने एक साड़ी ली है यहाँ से, बनारसी साड़ी, काफ़ी अच्छी रेंज भी काफ़ी अच्छी मिली मुझे कुछ। हाँ, काफ़ी मतलब डिफरेंस है, जैसे मार्केट में हमको 15-20 का मिलेगा तो यहाँ पे हमको 8-10 का मिल जाता है। कुछ यूनिक देखने को मिला हुआ कलेक्शन? हाँ, काफ़ी अच्छा है, बाजार से हटके कुछ नयापन है यहाँ पर। तो कहाँ से आप आती हैं, हर बार परचेज करने आती हैं, कहाँ से आती हैं? हम लोग यहीं इंदौर के ही हैं। त्योहारों का तो सीज़न है, पर जो लड़कियाँ शादी के लिए अपकमिंग्स हो रही हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है। जो एक ही जगह पे काफ़ी वेराइटीज़ की साड़ियाँ एक साथ मिल रही हैं, कलरफुल साड़ियाँ हैं, प्राइजेस में भी अच्छा डिस्काउंट्स है, और फेस्टिवल में जिस हिसाब से बाहर और जाते हैं और भीड़ है जैसा, तो इधर बहुत अच्छा माहौल है, अच्छे से दिखाया जा रहा है। प्राइस में भी जो भी है अच्छे से अच्छा डिस्काउंटेड भी है यहाँ पर, और अपकमिंग शादी के लिए तो और ही बेस्ट है ये जगह। एक्सक्लूसिव रेंज भी आपको कुछ देखने के लिए मिली है क्या यहाँ पर? हाँ, रेंज अच्छी है, मतलब ऐसे अपन शोरूम्स में जा रहे हैं उनसे तो बहुत ही अच्छी है इधर पे रेंजेस, और वैरायटीज है, जगह जगह की वैरायटीज यहाँ पे आई हुई है। हाँ, अदर प्रदेश के लोग आए हुए हैं और जिस हिसाब से वो प्राइस दे रहे हैं वही अपने को शोरूम में थोड़ा हाई हो जाता है, बट यहाँ पे एक नॉर्मल प्राइस में अपन को बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ में मिल रही है सब चीज़ें। आपका नाम बताएं? मोनिका शर्मा। प्रदर्शनी कई पुरस्कार विजेता उत्पादकों ने भी अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। यूपी के जावेद बनारसी साड़ियों का एक्सक्लूसिव स्टॉक लेकर आए हैं। उनके पास ओरिजिनल तांबे व चांदी की साड़ियों की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है, जो ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर खींच रही है। बताइए राहुल जी, आपने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है, कब तक चलेगी और क्या आइटम्स यहाँ पर लेकर के आए हैं, शहरवासियों को क्या सौगात देने जा रहे हैं आप? सर, ये फेस्टिवल में जो हम लेके आए हैं यहाँ, नवरात्रि और दीपावली और शादी के स्पेशल इंदौर शहर में जो सिल्क साड़ियाँ आई हुई हैं, ये काफ़ी मैसूर साड़ी आई हुई, कुछ हटके हैं। एग्जीबिशन बहुत आते हैं, बस इस वीवर्स ऑफ इंडिया में बहुत खुश खास बात अलग है, अलग अलग साड़ी अलग अलग स्टेट से आई हुई हैं हमारे इसमें वीवर्स ऑफ इंडिया में। कितने स्टेट्स का, कितने राज्यों का लोग यहाँ पर आए हैं और कितने राज्यों का सामान, खास सामान यहाँ पर है? सर, 60 से 70 स्टेट से दुकानें आई हुई हैं, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आसाम, जम्मू कश्मीर, अपने छत और क्या नाम से, ऑल स्टेट से दुकानें आई हुई हैं। सर, क्या क्या चीज़ें खास हैं? सर, यहाँ से जैसे अपन भागलपुर चलते हैं, सो मधुबनी आर्ट्स, उनका भागलपुरी जो प्योर सिल्क होता है वो मशहूर है। आसाम से आए हुए हैं सर, बहुत मुगा सिल्क होता है सर, एरी सिल्क होता है आसाम से, वो भी मशहूर है। कर्नाटका से आए हुए कांजीवरम, और भी बहुत साड़ी हैं जो 1 लाख से 3 लाख तक की रेंज में आएंगी, कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ। स्टार्टिंग प्राइस आपको सर 1200 से प्रिंटिंग में मिलेगा और 25,000 तक एंड होता है सर। पश्मीना शॉल की विशेषता क्या रहती है? पश्मीना शॉल 3 टाइप का होता है सर, एक बेली पोर्शन का होता है, बैक पोर्शन का होता है, चिन पोर्शन का होता है, 3 टाइप्स ऑफ पश्मीना। बेली पोर्शन टाइप का पश्मीना सॉफ्ट होता है सर, और वो सबसे महंगा होता है, और चिन पोर्शन का थोड़ा उससे रफ रहता है, उसका कीमत उससे हल्का ही होता है सर। और हमारे पास ये वाला, ये नीडल वर्क वाला है, पूरा हाथ का किया हुआ है, 0 नंबर का नीडल आता है सर, ये 25,000 का है, तो इसमें आपको कम से कम 45 डेज लगते हैं बनाने में, पूरा हैंडमेड है सर। इसमें मशीन मेड भी आता है, लेकिन दिस इज़ हैंडमेड, वो पूरा पश्मीना का आएगा सर,
और सेमी पश्मीना वाला भी हमारे पास अवेलेबल है सर। तो वहीं छत्तीसगढ़ का प्योर कोसाट, टसर, मूंगा, तो जम्मू कश्मीर का पश्मीना और हैंगवर्क का बेमिसाल कलेक्शन भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इसके साथ ही भागलपुर का मलबरी, खादी, मसलिन और बैम्बू सिल्क भी ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। सेल में गुजरात का लहंगा चोली, मधुबनी प्रिंट्स व ड्राई फ्रूट से लेकर और भी कई तरह के वैवाहिक कलेक्शन भी ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं।